हेलो एवरीवन, एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 26 देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम रज़िया सुल्ताना एंड बालबन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले रज़िया सुल्ताना की बात कर लेते हैं। तो रज़िया जो थी वो इल्तमिश की लड़की थी, और इसका टाइम पीरियड जो था वो 1236 to 39 AD तक का रहा। और इसने जो है वो कोर्ट को होल्ड करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो इल्तुमिश था उसने अपनी लड़की को जो है वो कार्यभार अपना जो है सौंपा था इंस्टेड ऑफ हिज अदर सन्स। ठीक है, उसके लड़के भी थे लेकिन उसने अपनी लड़की को चुना था उसके लिए। और ये पहली थी कि जिसने विदाउट वेल, मतलब जो मुँह के आगे पर्दा रखते हैं, उसने मतलब घूंघट वगैरह ना निकाल के कोर्ट को जो फेस किया और पॉपुलर हो गई थी अमंग मासेस। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी ये। ठीक है, और उसके बाद पॉपुलर थी अमंग द मासेस, और इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो मतलब नॉबल्स को, जो कोर्ट के नॉबल्स थे उनको पसंद नहीं आती थी। ठीक है, और साथ ही साथ में इसने जो है मैरिज की थी, मैरिड टू अल्टोनिया। ठीक है, और इसके बाद इसके बारे में ये भी आपको बात याद रखनी है कि इसने जो है इसको जो है वो मार दिया गया था नोबल्स के द्वारा। नोबल्स किल्ड हर, या फिर बैंडिट्स भी बोल सकते हैं, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में इसको मार दिया गया था उनके द्वारा, क्योंकि जो वजीर थे सारे वो इनके अपोजिट, मतलब ऑपोजिशन में बोलते थे, क्योंकि इसको क्यों बना दिया इल्तमिश ने ऐसे। ठीक है, और इसके जो इसका जो यंगर ब्रदर था, यंगर ब्रदर का जो हाथ था वो इसमें ज़्यादा था, तो किल हर। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं बालबन के बारे में, जो कि एक बेटा था, मतलब यंगर सन था ऑफ द इल्तमिश। ठीक है, तो इसके बाद रज़िया सुल्ताना के बाद ये आता है, और इसका टाइम पीरियड है 1246 to 86 AD। और इसका जो मतलब असली नाम था वो था उलह खान। ठीक है, और ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये यंगर सन था ऑफ इल्तमिश। ठीक है, ठीक है, और इसने जो है मैरिज की थी वन ऑफ हिज डॉटर टू एक सुल्तान था, नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, इसकी लड़की के इसके साथ, मतलब नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ इसने अपनी बेटी की शादी की थी। क्यों? क्योंकि इसको पपेट की तरह ये समझता था। और जैसे ही नसरुद्दीन मोहम्मद की डेथ हो जाती है, ठीक है, आफ्टर हिज डेथ, तो ये सारा जो उसका थ्रोन था वो अपने अंडर कर लेता है। ठीक है, और थ्रोन पे खुद बैठ जाता है। और वैसे तो बलबन एक हम्बल फैमिली से था, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि ये एक रॉयल फैमिली से था। फ्रॉम द हम ही बिलोंग्स टू द हम्बल फैमिली बट नॉट फ्रॉम द रॉयल वन। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको ये भी याद रखना है, इसने मंसूर को खलीफा भी भेजा था। ठीक है, सेंट मंसूर टू खलीफा। और इसने जो है इसने जो चालीसा, आपको याद होगा चालीसा, 40 लोगों का ग्रुप जो है वो बनाया था ऑफिशियली, जो नोबेलिटी ऑफ स्लेव्स का इल्तुमिश ने बनाया था। तो इसने जो है उनको सुप्रेस करना शुरू कर दिया, चालीसा के जो भी मेंबर्स थे। ठीक है, और उनको किल भी करना स्टार्ट कर दिया, तो किल देम आल्सो टू सप्रेस देम। ठीक है, और ये वेरी, मतलब जो बलबन था वेरी डिसिप्लिन्ड था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका जो है वो फीचर है। और साथ ही साथ में ये मतलब इसके मुंह पे कभी भी स्माइल नहीं रहती थी, नॉट इवन अ सिंगल स्माइल ऑन हिज फेस। ठीक है, और इसने वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अब आ रही है, इसने इंट्रोड्यूस किया था सजदा। ठीक है, सजदा मतलब सिर झुकाना, जैसे सिर झुका के हमारे भी जो इंडियन कल्चर है उसमें भी सिर झुकाना, जैसे किसी को रिस्पेक्ट देना, तो ये सजदा जो है इसने स्टार्ट किया था, ये याद रखेंगे। तो सिर झुकाना, ठीक है, सजदा स्टार्टेड बाय द बालबन, और एक ही साथ में दूसरे भी की थी पैबोस। पैबोस मतलब होता है किसिंग किंग्स फीट, मतलब राजा के पैर छूना। तो ये भी, ये दो जो टर्म्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सजदा एंड पैबोस,
वॉज स्टार्टेड बाय द बालबन, ठीक है। और इसने जो है स्पाइस को अपॉइंट किया था जासूसी करने के लिए कि रियल इंफॉर्मेशन का पता लगाओ कि जो इसकी कोर्ट में, जो इसके राज्य में क्या चल रहा है, ठीक है, टू नो द रियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो इसके बाद क्लेम, मतलब इसने क्लेम किया अफ्रश याब डेनेस्टी के ऊपर कि ये मेरी है, या फिर इस उसके साथ रिलेशन ये जो है उसके साथ शो होता है। तो ही क्लेम्ड रिलेशन विद द अफ्रशियाब डायनेस्टी, और इसने अपने सन और ग्रैंडसन का नाम जो है वो अफ्रीकन प्रिंसेस के के नाम के जैसे रखा। तो ये भी इसका एक जो है वो इतना नहीं, मतलब फीचर देखते, लेकिन ऐसे ही आप नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अब जो आ रही है वो ये है कि इसको जो टाइटल मिला था, ही एज्यूम द टाइटल ऑफ जिले इलाही, इसका क्या मतलब होता है? क्वेश्चन ये आता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो शेडो ऑफ गॉड, ये शेडो ऑफ गॉड मानता था अपने आप को, जिले इलाही का इसको टाइटल था, या फिर आप बोल सकते हैं डिवाइन थ्योरी ऑफ किनशिप, किंगशिप, किंगशिप नहीं किंगशिप, ठीक है। उसके बाद बिगेस्ट अचीवमेंट अगर बालबन की देखी जाए तो यही है कि इसने एम्पायर को कंसोलिडेट करके रखा। हालांकि इसने एक्सपेंशन नहीं की, लेकिन ये एक मिनट में लिख देती हूँ कि बिगेस्ट अचीवमेंट में क्या आ जाएगा, इसकी बिगेस्ट अचीवमेंट्स में बालबन में क्या आ जाएगा कि इसने कंसोलिडेट करके रखा था अपने एम्पायर को, एक्सपेंशन नहीं की, ठीक है, एक्सपेंड नहीं किया, जितना था इसके पास एरिया जितना था उतना ही रखा, लेकिन उन सबको आपस में जोड़ के रखा, ठीक है। अगर हम इसकी अब बॉर्डर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो बॉर्डर मैनेजमेंट में देख लेते हैं क्या है इसमें, अंडर हिज रूल तो चेन ऑफ द फोर्ट्स बनवाए गए इसके द्वारा, क्योंकि मंगोल्स का फियर था, तो मंगोल्स के फियर के कारण इसने फोर्ट्स के साइड्स पे, जैसे चारों तरफ पे बाउंड्री, नहीं क्या बाउंड्री बनवा देते हैं, तो वो बनवा दी थी इसने, और सोल्जर अपॉइंट कर दिए थे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला रीजन था, ये वाला काफ़ी जो है वनरेबल था किसी के भी अटैक के लिए, तो इसने वहाँ पे भी जो है वो सोल्जर्स अपॉइंट कर दिए थे। तो सोल्जर्स अपॉइंट इन द वेस्टर्न बॉर्डर, ठीक है। और उसके बाद इसकी फॉरेन पॉलिसी देख लेते हैं क्या थी। जब हलक खान जो था कैलिफ का, वो मतलब उसकी डेथ हो जाती है, ही मेड पीस विद हिम इन द डिप्लोमेटिक वे, ठीक है। तो उसने उसके साथ डिप्लोमेटिक वे में पीस ट्रीटी की, और उलेमाज वगैरह, उलेमास मैंने आपको बताया था कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स लॉ वगैरह बनाते थे, तो थो हिज उलेमास वॉज अगेंस्ट इट, तो उसके तो अगेंस्ट ही था। तो ये आपको बात याद रखनी है कि जब हुलक खान किल्ड हो जाता है ऑफ कैलिफ, तो ये उनके साथ डिप्लोमेटिक पीस ट्रीटी साइन कर लेता है, मतलब कि पीस रखने क्या एग्रीमेंट ये है जो है वो साइन कर लेता है, और अकॉर्डिंग टू अलेमस चलेगा, ऐसा नहीं वो कहता कि क्योंकि ये अलेमस के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर देख लेते हैं इसका। तो ग्रुप ऑफ प्लंडर्स इन द हरियाणा, जैसे मेवातीज, बालबन क्लियर कर देता है सारे फॉरेस्ट और एस्टेब्लिश करता है कोठवाल्स थानाज, एंड उसमें जो है अपॉइंट कर देता है अफगानिस को एज द पुलिसमैन। तो ये आपको याद रखना है कि ग्रुप ऑफ प्लंडर्स काफ़ी ज़्यादा थे हरियाणा वाली साइड में, और जैसे मेवात वाली साइड में, ठीक है। और सेकंड बात कि ये जो बालबन था इसने फॉरेस्ट को क्लियर्ड करवा दिया और वहाँ पे बिल्ट करवा दिया कोटवाल्स थानाज, ठीक है, एंड अपॉइंटेड वहाँ पे अपॉइंट कर दिए अफगान्स को
एज द पुलिसमैन, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर को मतलब कंट्रोल में करने के लिए पुलिसमैन बेस ने अपॉइंट किए, और ये ज़्यादातर जो है वो दिल्ली वाले रीजन के पास रहता था और दिल्ली को कभी नहीं छोड़ता था। मतलब मान लीजिए ये दिल्ली है, ठीक है, और इसके नियर अराउंड ही रहेगा, मान लो जैसे हरियाणा लगता है, यूपी लगता है, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये नहीं कि नीचे महाराष्ट्र में चला गया या तमिलनाडु में चला, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया एक्सपेंड नहीं की थी इसने अपनी, जो भी इसका एरिया था उसको कंसोलिडेट करके रखा था, तो दिल्ली के अराउंड ही रहता था, ठीक है, और दिल्ली को कभी छोड़ता नहीं था। और मुस्लिम हुआ नोट टर्किश फील ह्यूमिलिएट, जो मुस्लिम्स जो टर्किश नहीं थे, क्योंकि ये टर्किश एम्पायर के अंडर ही सारा इनकी जो फैमिली चल रही है, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके फिर इसका जो सन इन लॉ इल्तुतमिश आता है, फिर आगे इसका बेटा है ये बालबन, ठीक है। तो जो मुस्लिम्स वो नहीं थे, नॉन टर्किश थे, मतलब टर्किश नहीं थे, वो फील ह्यूमिलिएटेड, ठीक है। और फिर ये जो इसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि बालबन जो है वो रीऑर्गेनाइज्ड करता है एक डिपार्टमेंट जो कि होता है मिलिट्री डिपार्टमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो इसके द्वारा बनाया गया मिलिट्री डिपार्टमेंट था, इसको क्या कहा जाता है? तो दीवाने अर्ज, तो ये वाला आ सकता है कि ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये बालबन द्वारा लाया गया था, किसके लिए, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। तो दीवाने अर्ज जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए था बाय द बालबन, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये वाली स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स में बता रही हूँ, इसने जो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है वो अपनाई थी। ही यूज्ड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्यों बनाई थी? टू किल द रोबर्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, टू किल द रोबर्स। तो और राजापुत्र स्ट्रोंग होल्ड व डिस्ट्रॉयड हो गया था, क्योंकि और जंगल जो है वो कट डाउन हो गए थे, तो इसलिए रोबरीज जो है वो बढ़ गई थी, ठीक है, और कॉलोनीज ऑफ अफगान्स भी सेटअप हो गई थी। इन सभी के कारण इनसे इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाया। तो रोबर्स क्यों बढ़े थे? क्योंकि इसने, मैंने आपको पहले बताया था कि फॉरेस्ट कट डाउन करवा दिए थे और अफगान कलोनीज भी बस चुकी थी, और मैंने आपको बताया ना कि अफगान्स को ही इसने जो है वो पुलिसमैन रखा था थानाज में, है ना, और कलोनीज जो है वो सेटअप हो गई थी, तो इसलिए इसने ये अपनाई थी। लेकिन अब क्या होता है कि 1286 में बालबन की मृत्यु हो जाती है। और एक बात और इसकी कि ही वॉज अनडाउटेडली मतलब इसने जो है आर्किटेक्ट बनवाया था दिल्ली सल्तनत का, ये अनडाउटली इसके खाते में पड़ जाता है कि ये एक आर्किटेक्ट था, कि दिल्ली को बनाने में इसका काफ़ी योगदान था, ठीक है। तो आर्किटेक्ट भी बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का इसको। अच्छा, क्यों बोला जाता है? मैंने इसका रीज़न आपको लास्ट स्लाइड में बढ़ाया, क्योंकि ये ऑलवेज लिव्ड नियर दिल्ली, मतलब दिल्ली को कभी छोड़ के नहीं जाता ये, ठीक है। और आफ्टर हिज डेथ तो टर्मोइल हो जाता है कि इसके बाद कौन राजा बनेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नॉन टर्किश थे वो तो पहले ही इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो ह्यूमिलिएट समझते थे अपने आप को, करते थे, ठीक है, बिकॉज नॉन टर्क मुस्लिम ट्राई टू कैप्चर द पावर। तो इसकी मृत्यु के बाद टर्मोइल इन द एम्पायर, क्योंकि जो नॉन टर्क्स थे वो पावर को कैप्चर करना चाहते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मंगोल्स प्रॉब्लम की, एंड उसके बाद उसमें चंगेज़ खान का भी काफ़ी जिक्र आएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।